So now, children, let us go on to another question of this exercise, which is question number 12. Again, since the exercise mentions just the matrices, we name it A and we write let A equal to 6 minus 2 minus 3, 1. पिछला question हमने column operation से किया था और ये question अब हम row operation से करेंगे ये जानने के लिए कि दोनों मेथड्स में कितनी सिमिलैरिटी और कितना डिफरेंस है। तो रो ऑपरेशंस के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे a इज इक्वल टू i a लिखेंगे और जबकि कॉलम ऑपरेशन में आप ध्यान कीजिए हमने लिखा था a इज इक्वल टू a इनटू i। ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है जहां i वही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर वही होगा जो a का ऑर्डर है। तो अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं a की जगह यही मैट्रिक्स जो हमें दिया है इज इक्वल टू आइडेंटिटी की जगह 2 बाय 2 मैट्रिक्स 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय a। अब रो ऑपरेशंस के लिए हमें रो के एलिमेंट्स को ध्यान देना होगा 6 और -3 है फर्स्ट रो में जिन्हें हमने कन्वर्ट करना है इनटू 1 एंड 0। अब सेकंड रो के साथ इसका कोई ऑपरेशन लगाना है सेकंड रो में मैं ये देख रही हूँ कि अगर ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 6। यहाँ भी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे मिलता है 3। तो हमारे दोनों एलिमेंट्स में कोई ना कोई चेंज आ जाएगा और देख लेते हैं कि ये क्या चेंज आएगा और कैसे। 3 से तो मल्टीप्लाई कर दें हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को और फिर हमें वो फर्स्ट रो के इक्वल मिल रहे हैं लेकिन साइन उनका डिफरेंट है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। यहाँ -3 है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके +3 आएगा ऊपर -6 है और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। तो सिर्फ साइन का चेंज है एंड हम अगर इन्हें ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो जो हमें एक 0 यहाँ चाहिए वो तो मिलेगा ही और देखते हैं क्या। तो फिर हम ऑपरेशन लगा लेते हैं रो 1 चेंजेस टू रो 1 +3 मल्टीप्लाइड बाय रो 2। ओके तो फिर रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड किया तो देखिए यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 मिल चुका। ठीक है रो 2 नो चेंज एज इट इज कॉपी हो जाएगी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी ये वाला ऑपरेशन लगेगा। रो 2 को करिए 3 से मल्टीप्लाई रो 1 में ऐड कीजिए पहला एलिमेंट मिला 1 और फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें ऐड करें 0 में तो ये मिला 3। यहाँ भी बच्चों सेकेंड रो इज नॉट चेंज्ड ऑपरेशन हमें केवल फर्स्ट रो में लगाना था। डॉट ए जरूर लिखेंगे इसे छोड़ेंगे नहीं भूलेंगे नहीं राइट। तो पहला ऑपरेशन हमारा इस क्वेश्चन में हो चुका। अब दूसरा ऑपरेशन लगाने से पहले ये ध्यान में आ रहा है कि फर्स्ट रो में तो दोनों ही एलिमेंट्स 0 हो गए। अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे ही किसी मैट्रिक्स के एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं या फिर एक कॉलम के भी अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उस एलिमेंट उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें ये लाइन आगे लिखनी है और इस पर हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे और ये लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो आर 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हेंस इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन लिखनी बिना इसके आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आपको ये रीजन जरूर देना है कि आप ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं। सो रो के एलिमेंट्स 0 हो या कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि रो 1 के ही एलिमेंट्स हैं जो सारे 0 हैं। इसी तरह किसी क्वेश्चन में रो 2 या रो 3 में हो तो आप वो बता देंगे या कॉलम 1 2 3 में हो आप बता देंगे कि कौन से एलिमेंट्स 0 राइट। तो क्या आपको सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि रो ऑपरेशंस में हमें कैसे स्टार्ट करना है a इज इक्वल टू i a लिखना है और फिर रो के एलिमेंट्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हुए आगे चलना है। और यदि किसी क्वेश्चन में सारे एलिमेंट्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम के 0 आ जाए
तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है 3.4, इसमें 14 क्वेश्चंस हैं जो 2x2 ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चंस, जिसमें से ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिए हैं, दोनों में मैंने अलग मेथड यूज किया है, एक में कॉलम ऑपरेशंस है और एक में रो ऑपरेशंस है। तो इस तरह आप बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो 3x3 ऑर्डर के हैं और उनको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई डिफिकल्टी है तो मुझे जरूर बताइए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।